नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्लावर्स जो होता है आपका जनन वाला भाग होता है, ठीक है। किसी भी पौधे में दो भाग होते हैं, एक तो जनन वाला भाग जो पुष्प कहलाता है, दूसरा भाग जो होता है आपका कायिक भाग जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो आज अपन फ्लावर्स के बारे में जान लेते हैं कि फ्लावर्स में आखिरकार होता क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन फ्लावर्स के बारे में। देखिए, फ्लावर्स ये स्टेम वाला पार्ट होता है, ठीक है, तने वाला पार्ट, जिससे फ्लावर जो है आपका प्लांट से अटैच रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको रिसेप्टिकल बोलते हैं या थैलेमस बोलते हैं, जिस पर फ्लावर्स के चारों पार्ट स्थित होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है सेपल होता है, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। ये आपका ग्रीनिश पार्ट होता है। वाई? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। दूसरा भाग जो होता है पेटल वाला, ये पार्ट जो दिखा आपको, जिसको बोलते हैं पेटल, इसको अपन दल कहते हैं, दलपुंज, ठीक है। दलपुंज जो होता है आपका कलरफुल पार्ट होता है। ये क्या करता है कि इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट जैसे हनी भी, इन सबको अट्रैक्ट करने का काम करता है, बिकॉज इसमें वेरियस टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। और इससे आपके मरकंद वगैरह भी स्त्रावित होते हैं, जिसके कारण कीट आपके आसानी से इसके पास आ जाते हैं फ्लावर्स के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो देखते हैं अपन, ये जो होता है आपका स्टामेन वाला पार्ट, ठीक है, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पोंके सर। इसमें आपका एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। ये स्वेलन पार्ट जो दिख रहा है आपको, फूला हुआ पार्ट, इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर, ठीक है। और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं परागकोश। ये यहाँ पर कनेक्टिव होता है और ये आपका फिलामेंट होता है, ठीक है, जो फ्लावर से अटैच करने का काम करता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर स्टामेंस, ठीक है। हिंदी में बोलते इसको पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। आगे देखते हैं अपन। देखिए, आगे का जो पार्ट होता है आपका दिस पार्ट, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें आपको सबसे फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है आपको स्टिग्मा, ठीक है, उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसको अपन बोलते हैं स्टाइल, और ये आपका ओवरी होता है, ठीक है, जिसमें ओविल प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये जो होता है कार्पल कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्पल, या हिंदी में अपन इसको बोलते हैं स्त्री कैसा। ये भाग क्या करता है, यहाँ पर आपके पोलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा वाले पार्ट पर, ठीक है। ये फोर मेन पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर्स। तो अपन आज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। दिस स्टिग्मा, तो जब पोलिनेशन होता है तो यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा वाले पार्ट पर, ठीक है, यहाँ पर लैंड करते हैं। तो इस पार्ट को अपन स्टिग्मा कहते हैं। ये आपका स्टाइल होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्टिग्मा और ओवरी को अटैच करने का काम करता है। इससे ही होकर आपका पोलन ट्यूब, जब यहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिससे पोलन ग्रेन आपके ओवरी वाले भाग तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये भाग जो होता है आपका ओवरी कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर
ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, जिससे को अपन ओव्यूल कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं बीजांड, ठीक है, बीजांड कहते हैं। बीजांड जो होता है, एट न्यूक्लियाई होता है, कितना होता है, एट न्यूक्लियाई, ठीक है, आठ न्यूक्लियस होते हैं एंड सेवन सेल्स, टोटल आठ केंद्रक होते हैं और सात कोशिका होती है, ठीक है। ये पार्ट जो होता है न्यूसिलस कहलाता है, न्यूसिलस, ठीक है। न्यूसिलस के अंदर आपको थ्री सेल्स ये दिख रही है, ठीक है, टू सेल्स यहाँ पर, जिसको अपन पोलर सेल कहते हैं या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। ये सेल जो होता है आपका है, जिसमें एक सेल होता है, और ये आउटर पार्ट जो दिख रहा है आपको, जिसको अपन बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, ये टू होते हैं, एक तो इनर होता है और एक आउटर होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो सामने की दिख रही है आपको, इसको अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिका। तो यहाँ से पोलन ट्यूब प्रवेश करती है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ नीचे पर आती है, और कभी कभी पोलन ट्यूब जो होती है आपकी, इस वाले पार्ट से भी प्रवेश करती है, और यहाँ से होकर इसमें, यहाँ पर एक सेल्स के पास में, यहाँ पर सीरिंज जो बोलते हैं अपन, उसको ब्रेक डाउन करती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।